नमस्कार। सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन, आरटीआई एक ऐसा अधिकार है जो हर भारतीय को प्राप्त है। भारत का कोई भी नागरिक किसी भी सरकारी विभाग, राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, न्यायालय हो, या सरकार से जुड़ा हुआ कोई भी उपक्रम हो जहां पर सरकारी धन खर्च होता है, उसके बारे में, उससे संबंधित किसी भी कार्य के बारे में सूचना जो है वो मांग सकता है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में लाया गया और कोई भी नागरिक ऐसी कोई भी सूचना जो है वो बहुत ही मामूली शुल्क, 10 रुपए का शुल्क उत्तर प्रदेश में है, केंद्र में है, कई राज्यों में अलग अलग शुल्क है, पर बहुत ही मामूली शुल्क होता है, उसके माध्यम से सूचना प्राप्त कर सकता है। तो ये बहुत ही अच्छा माध्यम है कि हम किसी भी विषय पर कोई भी सूचना किसी भी सरकारी विभाग से हम प्राप्त कर सकते हैं। उस सूचना के आधार पर हम अपना निजी कार्य करवा सकते हैं, अगर वो कार्य रुका हुआ है तो। हम किसी भी सामाजिक मुद्दे पर, जैसे पर्यावरण, जानवरों की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, या फिर कोई भी और भी दूसरा कोई सोशल वर्क कर रहा है, तो उस मुद्दे पर हम विभागों से जो संबंधित जानकारी है उसको मांग के आगे हम लोग कार्य कर सकते हैं। किसी मुद्दे पर हमको कोर्ट में जाना है तो अगर हमको वहां पर हमें कुछ दस्तावेज इकट्ठा करने हैं तो वहां पर हम आरटीआई का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने किसी अधिकारी को कोई एप्लीकेशन दिया है, उस एप्लीकेशन पे क्या काम किया गया है उसके बारे में हम अधिकारी से पूछना चाहते हैं तो हम आरटीआई का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यह बड़ा अच्छा एक हथियार है जो हर भारतीय को प्राप्त है। तो इस सूचना के अधिकार के बारे में सारी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए नेचर क्लब फाउंडेशन के माध्यम से हम 2 दिन का कोर्स आगामी 7 और 8 नवंबर को लेकर आ रहे हैं, शाम को 7:30 बजे से 9 बजे। इन दोनों दिन डेढ़ डेढ़ घंटे दोनों दिन, मतलब कुल 3 घंटे का ये कोर्स होगा जो कि ऑनलाइन मीडियम पर, गूगल मीट पर आयोजित किया जाएगा। ऊपर कैप्शन में लिंक दिया है, गूगल फॉर्म है, उस पे जाके आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इस कोर्स की फीस 50 रुपए मात्र है। आप ऊपर दिए गए गूगल पे या फिर भीम यूपीआई आईडी पर अपना पेमेंट कर सकते हैं, उसकी डिटेल आप फॉर्म में भर सकते हैं। तो आप लोग इस कोर्स से जरूर जुड़िए। हम कोर्स में बात करेंगे कि यह पूरा अधिनियम है क्या, ये क्यों लाया गया, किन किन क्षेत्रों में आप आरटीआई का यूज कर सकते हैं, आरटीआई का आवेदन कैसे करें, अगर आरटीआई का आवेदन करने के बावजूद कोई आपको जवाब नहीं दे रहा है तो अपील, पहली अपील कैसे करें, दूसरी अपील कैसे करें, और सारी व्यवहारिक जानकारियां जो इस आरटीआई से रिलेटेड हैं कि हम एक आरटीआई एक्टिविस्ट कैसे बने या निजी तौर पर आरटीआई का इस्तेमाल कैसे करें, वो तमाम जानकारियां हम इस 3 घंटे के कोर्स में आपको बताएंगे। और एक छोटी सी कार्यशाला जैसा भी होगा, हम आपको वहां पर कुछ कार्य भी देंगे। तो इस कोर्स से जरूर जुड़िए, कैप्शन में पूरी जानकारी है, कोर्स पर आइए और आरटीआई के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानिए और अपने जीवन को और सामाजिक कार्यों को आसान कीजिए। धन्यवाद।